प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो आदरा आप सबके बिन। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं सत्या भाई रिव्यू चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसा पिक्चर जो काफ़ी दिनों से हमें उसका इंतज़ार था और वाकई पिक्चर आज रिलीज हो ही गया। वो है वॉर। वॉर कहते आपको याद आता होगा, एक हमेशा एक झगड़ा होने वाला ऐसा जगह, ऐसा एक युद्ध जो हमेशा किसी ना किसी विषय पे हमेशा एक झगड़ा होता रहता है। पर आज हम जिस पिक्चर के बारे में बात करने वाले हैं जो है वॉर, इसमें दो बड़े योद्धा आपस में टकराते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे बॉलीवुड के जो बड़े योद्धा जो ऋतिक रोशन और दूसरे हैं हमारे जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ। आपको तो मालूम ही होगा कि हमारे टाइगर श्रॉफ काफी एकदम यंग और एकदम एक्शन किंग भी कह सकते हैं और अच्छे रोमांस और डांस भी कर लेते हैं। उसी तरह हमारे ऋतिक रोशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा एक्शन और साथ में डांस भी काफ़ी अच्छे तरह कर लेते हैं। और दो इतने बड़े अच्छे एक्टर जो फेमस एक्टर और एक ही पिक्चर में दिखाई दे तो फिर क्या कुछ कहने की जरूरत थोड़ी आप लोगों को। इसमें जरा एक्शन भी होगा, थोड़ा रोमांस भी होगा, हो सके थोड़ा कॉमेडी भी होगा, डांस तो होगा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस पिक्चर में आपको देखने मिलता है ऋतिक रोशन एक आर्मी एक अंडरकवर एजेंट की तरह होते हैं और सीरिया नाम के देश में जाते हैं अपने दुश्मन टेररिस्ट को मार गिराने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, और इसमें जो होते हैं हमारे जो 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 टाइगर श्रॉफ वो भी एक स्पाई की तरह होते हैं और दोनों आपस में टकराते हैं और फिर दोनों एक ही मकसद के लिए काम करते हैं। जो है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वाणी कपूर को एकदम छोटे रोल में आके जाती है और उनका इतना बड़ा कुछ रोल नहीं होता है जो इस पिक्चर में हीरोइन का रोल कर रहे हैं। और मेन होता है इनके इसमें ऋतिक रोशन और दूसरा होता है टाइगर श्रॉफ, उनका ही सब कुछ होता है और पूरा पिक्चर उन पे निर्भर होता है। और ये पिक्चर की शूटिंग यूरोप में किया गया है, कार चेसिंग एक बर्फी इलाके में, बिल्कुल एक जेम्स बॉन्ड पिक्चर की तरह। और थोड़ा ऐसा लगता है आपको जैसे कोई आपने पिक्चर को इंग्लिश पिक्चर मिशन इम्पॉसिबल देख लिया कभी। इन सब से चुन चुन के लेके बनाया गया है, कुछ कुछ सीन कुछ कुछ कहानियां तकरीबन इस तरह ही बैठती है इस पिक्चर में। इस पिक्चर आप एक एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, पर अगर आप किसी स्टोरी को ध्यान में रखते जाएंगे, कुछ कहानियों की पिक्चर में कहानी तो कुछ है नहीं ऐसे कहने लायक। पर और हमारे सपोर्टिंग एक्टर्स में है जो है आशुतोष राणा, जो जैसे एक कमांडर चीफ एक आर्मी कमांडर होते हैं और इसमें जो टाइगर श्रॉफ को ऑर्डर करते हैं कि आपको स्पाई की तौर में जाना पड़ेगा, इस तरह ये होता है ये पिक्चर। और जो वाणी कपूर जो है इसमें एक हिडन जो एक वो भी एक अंडरकवर एजेंट की तरह एक छोटे से रोल के लिए आके जाती है, बस और कुछ है नहीं। बल्कि पिक्चर में डांस गाने और रोमांस और आपका ये जो एक्शन सीक्वेंस तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। एक हॉलीवुड स्टाइल में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। हर एक आप बॉलीवुड पिक्चर देखेंगे, हिंदी पिक्चर देखेंगे तो हॉलीवुड स्टाइल में लेने की पूरी कोशिश करते हैं। हॉलीवुड स्टाइल के बराबर तो पिक्चर नहीं निकाल पाते, पर यहाँ वहाँ तो थोड़ा कुछ पुराने हिंदी पिक्चर से कुछ देख लिया तो कुछ नए इंग्लिश पिक्चर से कुछ देख लिया, यहाँ वहाँ से थोड़ा कुछ सीन कॉपी कर लिया और थोड़ा कुछ करके थोड़ा अपना थोड़ा दिमाग चला लिया और ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं हर एक हिंदी पिक्चर में। इस पिक्चर में तकरीबन इसी तरह किया गया है, थोड़ा कुछ एक्शन सीक्वेंस यहाँ कुछ ट्राई किया गया है कुछ नया ऐसा कह सकते हैं, बल्कि ऐसा कुछ तो है नहीं अगर आप स्टोरी को ध्यान में रखें। हाँ, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है, काफी दो बड़े हीरो का पूरा इस्तेमाल किया गया है डांस के तौर में, एक्शन के तौर में, एक्टिंग के तौर में, बाकी और कुछ इसमें है कुछ है नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप जरूर पिक्चर देखिएगा और पिक्चर आपको कैसा लगा थिएटर में जाके देखिए, परिवार के साथ देखिए और पूरा मजे लीजिएगा। और मेरे चैनल सत्या भाई रिव्यू चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपका सजेशन जरूर दीजिएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।